मुरादाबाद से खबर है जहां पर थाना मझोला क्षेत्र के खुशहालपुर में संचालित जीवन रेखा अस्पताल पर मुरादाबाद के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र ने की बड़ी कार्रवाई। पूर्ण रूप से एक्शन मोड में दिखे डिप्टी सीएमओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। हॉस्पिटल में देखा जा रहा है अवैध रूप से संचालित हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखी गई है। अवैध रूप से संचालित मिली ओटी पैथोलॉजी लैब दोनों को किया गया सील। मीडिया को जानकारी देते हुए डिप्टी सीएमओ ने बताया कि एक शिकायत जीआरएस के माध्यम से और जिस पर यह कार्रवाई की गई है। सर ये कौन सा हॉस्पिटल है और क्या कार्रवाई की गई? ये एक शिकायत आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि जीवन रेखा हॉस्पिटल अवैध रूप से चल रहा है। आज इसका औचक निरीक्षण किया गया जो कि सही पाया गया। इनका ना तो सीएमओ ऑफिस में किसी प्रकार का पंजीकरण है और ना ही किसी दूसरे अन्य आयुर्वेदिक में भी इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है जो इनके द्वारा पाया गया, और ना ही मौके पर यहाँ पर कोई डॉक्टर मौजूद पाए गए। एक यहाँ पर अंदर अवैध रूप से संचालित लैब भी पाई गई है, ओटी भी संचालित पाया गया है, और सभी को देखते हुए आज इसको 1 अगस्त 2024 को इसको सील किया जा रहा है। किस नाम से हॉस्पिटल है? ये जीवन रेखा नाम से हॉस्पिटल है, शाहपुर रोड पर है। इसके अंदर सर जो पाई गई औषधि है वो एक्सपायर पाई गई है या नहीं? नहीं, औषधि जो है एक्सपायर कोई नहीं मिली है, जो भी मिली है वो सील करके अभी थाने में जाके दे देंगे उनको और तहरीर दे रहे हैं। हाँ, अभी इनके खिलाफ जाकर थाने में तहरीर दी जाएगी और मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? मेरे द्वारा ही तो सारी कार्रवाई की गई है, आपने देखा ही सब आप लोग मौजूद रहे हैं। मुरादाबाद से रेहान अंसारी की रिपोर्ट।